चीन के एक रियल एस्टेट डेवलपर ने केवल 28 घंटों में 10 मंजिल की एक ऐसी इमारत तैयार की है जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। अब आपको हैरानी हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके लिए कंपनी प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम्स का प्रयोग करती है, जिसका मतलब यह है कि कंपनी फैक्ट्री में पहले से तैयार किए हुए कमरे और बिल्डिंग के मॉड्यूल्स प्रयोग करती है। बिल्डिंग तैयार होने पर केवल इन्हें इंस्टॉल करना होता है। सभी मॉड्यूल्स एक ही आकार के होने के कारण टावर बनने के लिए उन्हें एक के ऊपर एक रख कर केवल बोल्ट लगाने होते हैं। ब्रॉड ग्रुप नाम की इस कंपनी का दावा है कि वह 200 मंजिल तक की ऐसी बिल्डिंग्स बना सकता है। क्लीन एनर्जी आज की सबसे बड़ी जरूरत है। फ्रांस के पास फ्यूजन रिएक्टर बनाने के लिए विश्व का सबसे शक्तिशाली चुंबक होगा। फ्यूजन रिएक्टर ऐसा एक रिएक्टर होगा जो उन एटम्स को तोड़ने की कोशिश करेगा जो सूर्य पर दो एटम्स को रेप्लिकेट करने की प्रक्रिया करते हैं। इसमें दो एटम मिलकर बहुत सी एनर्जी तैयार करते हैं। इस रिएक्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे न तो कोई न्यूक्लियर फॉलआउट होगा और न ही कोई नुकसानदायक रसायन बनते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में टनों ऊर्जा की जरूरत होती है और यह चुंबक जो एयरक्राफ्ट को जमीन से 2 मीटर तक ऊपर उठा सकेगा उसमें मदद करेगा। भविष्य में यह असीमित क्लीन एनर्जी का समाधान होगा। है ना बहुत रोमांचक आइग्रास्पर्स? इस सप्ताह का मुहावरा है गुड़कियां खाना, जिसका मतलब है डांट डपट सहना। बड़े भाई साहब की गुड़कियां खाकर अचानक छोटे भाई ने मुंह खोल दिया। बूझो तो जाने, ऐसी कौन सी जगह है जहां सड़क है लेकिन गाड़ी नहीं, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं, शहर है लेकिन मकान नहीं? बूझो बूझो, वो है मैप या नक्शा। पहचानो कौन? अमरीकी सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्टर ने निकलोजियंस की मशहूर सिटकॉम विक्टोरियस वेंटास वैलेंटाइन की भूमिका निभाई थी। उनकी पहली म्यूजिक एल्बम योर्स ट्रूली की पहले हफ्ते में 1,38,000 प्रतियां बिकी और वह यूएस बिलबोर्ड 200 चार्ट पर पहले स्थान पर रही। इस क्वीन ऑफ पॉप ने 2 ग्रैमी, 1 ब्रिट, एमटीवी, बिलबोर्ड के साथ साथ और भी कई म्यूजिक अवार्ड जीते। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये अरियाना ग्रांडे बेचारा ही है। क्या आपको मालूम है इस गायिका को कुत्ते बहुत प्रिय है। इन्होंने बहुत से कुत्तों को बचाया है और गोद लिया है। क्या आपको मालूम है कि योग पुराने समय से चली आ रही भारतीय परंपरा है, जिसमें शारीरिक व्यायाम और ध्यान को आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक साथ जोड़ा गया है। वैदिक काल से चली आ रही योग की इस पद्धति से दिमाग शांत होता है और हम अपना ध्यान किसी भी चीज पर केंद्रित कर सकते हैं। तो क्या आप इसका अभ्यास शुरू करेंगे? क्विज टाइम। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष में स्थापित हुआ था? अपने उत्तर contactus@igraasp.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। चंद्रमा की स्थिति और गुरुत्वाकर्षण का ज्वार पर अधिक प्रभाव होता है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आइग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार की अदिति रंजन को हार्दिक अभिनंदन।